उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी सरकार बनाने की दावा पेश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी अब पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं आए दिन महंगाई से जनता भी परेशान है कि किस तरह परिवार का भरण पोषण चलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षाएं जीवन यापन कैसे हो पाएंगी। इसी सब मुद्दों को लेकर आज हमारे संवाददाता सोनू कुमार गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी के कुशीनगर जनपद के जिला उपाध्यक्ष व संगठन प्रभारी वाजिद अली से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस सरकार से जनता उब गई है और आगामी 2022 के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। और सुनिए उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सौर्य न्यूज इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर विधानसभा में और यहां से बातचीत करेंगे आज हम कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वाजिद अली अंसारी साहब से। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज की आगामी विधानसभा चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी का किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि लगभग चुनाव भी नज़दीक है और विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है वैसे वैसे हर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की तैयारियां हैं सत्ता से लड़ने के लिए, तो हम जानेंगे सीधे वाजिद अली अंसारी साहब से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम सीधे रूबरू होते हैं कि क्या कहते हैं वो। मैं वाजिद अली, जिला कांग्रेस कमेटी कुशीनगर, जिला उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी। मैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं जनपद कुशीनगर में? हमारी तैयारी जो है भरपूर चल रही है और प्रदेश में हमारी बहन प्रियंका गांधी जी का जो संघर्ष है, हमारे बड़े भाई अजय कुमार लल्लू जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और माननीय कुंवर आरपीएन सिंह का, यह पूरे प्रदेश में दौरा करके हमारे सामने जो समस्या है यह भाजपा विरोधी शासन जो है, महंगाई के लिए यह अपना जो है कांग्रेस के ऊपर जो यह महंगाई को लेकर कांग्रेस के ऊपर यह थोपते थे कि कांग्रेस महंगाई लाई है, यही गैस सिलेंडर का दाम जब बढ़ता था तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी सिलेंडर को लेके सड़क पर बैठते थे। आज जो कल ही जो है 25 रुपया फिर सिलेंडर फिर बढ़ गया, पेट्रोल और डीजल की महंगाई से तमाम लोग त्रस्त हैं और अपने हमारी कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर, जो किसानों का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, तमाम हत्याएं हैं, इस पर लेकर कांग्रेस संघर्ष हर जगह धरना प्रदर्शन किया मगर इनके कान पर कोई जीव नहीं रहेगा। महंगाई के विरोध में कांग्रेस हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बढ़ती महंगाई से जनता पर जो असर पड़ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? जनता जो खामोश है, जनता बोल नहीं रही है, जनता जो है 2022 में सबक सिखाएगी, इसलिए कि जो मीडियम क्लास के तबके के लोग हैं वह बहुत परेशान हैं महंगाई के लेकर। जो आज दिहाड़ी मजदूरी 300 से 250 रुपये तक कमाते हैं वह 250 के सरसों का तेल कैसे खाएंगे, वह दाल की महंगाई या राशन की महंगाई जो भी है वह छोटे तबके के लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। आजकल कोरोना को लेकर जो लोग बेरोजगार हैं, जिनकी रोजी रोटी नहीं मिल रही है, मैं कहना चाहता हूं उन घरों में जाकर देखा जाए कि उनको सही सब्जी नहीं मिल पा रही है, सही दाल नहीं मिल पा रही है, एक टाइम खा रहे हैं एक टाइम नहीं खा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार है, मैं किसी पर दोष नहीं दूंगा, ये सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल करे। क्या लग रहा है कि 2022 में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को? महंगाई के लेकर जनता जवाब देगी, 2022 में इसका झलक दिखाई देगा, इसलिए कि कितनाओं लोगों का जो आंदोलन है महंगाई पर उस पर कोई असर नहीं है। आज जो हमारे किसान जो हैं दिल्ली के रोड पर जो है
10 महीने से बैठे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है, और तमाम हमारे जो है नौजवान रोजगार के लिए जो है सड़क पर हैं उनको लाठियां खानी पड़ रही है। भाजपा सरकार में बढ़ती महंगाई का आखिर में कारण क्या है? भाजपा सरकार की महंगाई जो है कारण यह है कि इनकी जो सरकार है मनमानी कर रही है, कांग्रेस लगाम लगा रही है और कांग्रेस के ऊपर ये थोपते हैं कि कांग्रेस ही ने महंगाई को लाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस के समय में 51 रुपया डीजल और 63 रुपया पेट्रोल था, आज क्या स्थिति है कि 100 पार कर गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है जनता से वसूल रहे हैं और अपनी विशाल कार्यालय हर प्रदेश में और देश स्तर पर बना रहे हैं। और प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, नौकरी देने की बात हुई थी, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि 5 साल का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है कि युवाओं को रोजगार मिला? नहीं, युवाओं को तो रोजगार अभी नहीं मिला, युवा रोड पर हैं और लाठी खा रहे हैं। युवाओं की समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि जो युवा जो है उम्र एज हो रहे हैं, उम्र से ज़्यादा हो जा रहे हैं, उनकी नौकरी कहाँ से मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो पढ़ लिख के जो माँ बाप पढ़ा लिखा कर बच्चों को तैयार किए हैं, आज जो है नौकरी की समस्या को लेकर दर दर भटक रहे हैं, यहाँ तक कि खोंचा और ठेला लगाने को मजबूर हैं, और माँ बाप की किस तरह जो है वह सेवा करेंगे, इसलिए रोजी रोटी उनके हाथों में नहीं है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि नौजवान आप अगला भविष्य के लिए आप कांग्रेस के साथ आइए और कांग्रेस को फिर लाइए और देश को खुशहाल बनाइए। भाजपा आज के डेट में एक ताकतवर पार्टी है, तो क्या लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में कांग्रेस कैसे टक्कर दे पाएगी? कांग्रेस जो है प्रदेश में पूरी मेहनत के साथ लगन के साथ लगी है और कांग्रेस अपने कामों को उजागर नहीं कर पाई जब सत्ता में थी। आज भाजपा जो है सत्ता में आने के बाद अपने कामों को 5 किलो चावल से लेके और सिलेंडर से लेके और शौचालय के लेकर होर्डिंग पोस्टर और प्रचार कर रही है, यही काम कांग्रेस ने नहीं किया। हर चीज़ों का इनका प्रचार जो है करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया में प्रचार में खर्च होता है, वह प्रचार में कांग्रेस खर्च नहीं करती थी, वह जनता के बीच में वो पैसा जाता था और जनता के हित का काम होता था। हमारे चाहे व्यापारी हो या किसान हो या नौजवान हो या जिस तबके में जो बिजनेसमैन हो, सब खुशहाल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से हमारे नौजवान, किसान, मजदूर, तमाम समस्या जो है देश में उत्पन्न हो गई। अब महंगाई तो चरम सीमा पर है, इसमें तो पूछना ही नहीं है। सिलेंडर के दाम जो है उस समय 425 रुपया था हमारी सरकार में, आज जो 1000 से ऊपर जा रही है। यह महंगाई सब नहीं झेल पाए, सिलेंडर जो है घर घर दिया गया, मोदी जी ने भिजवाया, आज सिलेंडर जो है घर में रखा हुआ है, 1000 रुपया नहीं है को सिलेंडर भराने का काम करें, महिलाएं कहाँ से लाएंगी 1000 रुपया से सिलेंडर भरने के लिए। आपने देखा कि हमने वाजिद अली अंसारी साहब से जानने की कोशिश की कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की कांग्रेस की तैयारियां हैं, तो उन्होंने कहा कि तैयारियां बहुत ज़बरदस्त है, 2022 में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस ही एक नंबर की पार्टी है। और उन्होंने महंगाई पर भी कहा कि महंगाई से जिस तरह जनता परेशान है वो उसका मुँह तोड़ जवाब 2022 में सरकार को देगी। कुशीनगर से सौर न्यूज़ इंडिया के लिए सोनू कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।